नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं SBI की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। SBI की ये स्कीम है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कितना पैसा आप लगाओगे, कितना मिलेगा। 1500 रुपये अगर आप लगाते हो तो उसमें से आप आराम से लाखों रुपये ले सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यारों, और वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले साथियों, ए स्कीम की हम बात करें तो ए स्कीम का नाम है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड मतलब क्या दोस्तों, हम शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमको इतना नॉलेज नहीं होता, इसलिए अच्छे अच्छे नॉलेज वाले बंदे होते हैं, उसको हम पैसा दे देते हैं, वो फिर मैनेज करते हैं अपनी तरीके से और थोड़ा बहुत हमारे पास चार्ज लेता है, उसका मतलब म्यूचुअल फंड। तो SBI का ये म्यूचुअल फंड है, बहुत ही अच्छा फंड है, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है इसके अंदर, और रिटर्न भी अच्छा दे रहा है। दोस्तों, रिटर्न की हम बात करें तो इसके अंदर एक साल का रिटर्न है 28%, लास्ट वन ईयर का इसने रिटर्न निकाल के दिया है 28%। लास्ट तीन साल की दोस्तों हम बात करें तो इसने रिटर्न निकाल दिया है 29.60%, और दोस्तों लास्ट फाइव ईयर की हम बात करें तो इसका रिटर्न है 17.15, और जब से फंड आया है तब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 16.98, यानी कि 17%, यानी कि अच्छा रिटर्न है इसके अंदर, बहुत ही अच्छे। एटलीस्ट FD से तो 2 से 3 गुना रिटर्न है इसके अंदर। अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो इसकी रेटिंग मतलब जनरली हर फिल्म वगैरह की सबकी रेटिंग होती है, ऐसे म्यूचुअल फंड की रेटिंग होती है। इसकी रेटिंग है 5 out of 5 star, यानी कि अच्छा एक म्यूचुअल फंड है। अभी दोस्तों हम बात करें तो इसके अंदर कितना पैसा लगा है, आपका मेरा आपके जैसे हम सबका कितना पैसा है, 12,600 करोड़ रुपया इसके अंदर लगाया गया है। इतने सारे लोगों ने पैसा लगाया होगा, सब तो मूर्ख तो हो गए नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही पैसा डाल दिया, इसका मतलब ये स्कीम अच्छी है। अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो SIP इसके अंदर आप 500 रुपये से चालू कर सकते हो, हर महीने 500 रुपये भर के आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और एक साथ अगर भरना है, मानो किसी के पास पैसा पड़ा है कि मेरे पास पैसा पड़ा है मैं एक साथ डाल दूंगा, ठीक है डाल दीजिए, 5,000 से स्टार्ट होता है, 10,000 15,000 जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया तो फ्री में थोड़ी हैंडल करेगा, वो तो आपके पास चार्ज लेगा, तो वो चार्ज होता है एक्सपेंस रेशियो, वो है 0.97, यानी कि 1% से कम है, इसलिए अच्छा है। एग्जिट लॉट मतलब अगर आपने म्यूचुअल फंड ले लिया फिर आपको लगता है अरे यार मुझे तो पैसे की जरूरत है, मुझे निकल जाना है, ये सब झमेले में मुझे नहीं रहना है, तो कब पैसा बढ़ेगा, मुझे अर्जेंट मेडिकल जरूर है XYZ, तो निकलना है, तो इसमें 0.10% इसमें एग्जिट लॉट यानी कि इतना चार्ज लगेगा और आप आराम से एग्जिट हो पाओगे। अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो इसकी होल्डिंग्स कहाँ है, होल्डिंग्स मतलब क्या, आपके पास तो पैसे ले लिए म्यूचुअल फंड ने, फिर ये डालता कहाँ है पैसा, वो तो हमें देखना पड़ेगा ना, तो हम देखते हैं इसकी होल्डिंग। दोस्तों यहाँ पे हम होल्डिंग की बात करें तो इसने डाला है पैसा 5% अराउंड ICICI बैंक में, फिर HDFC बैंक में है ये इसका 4% जितना, इन्फोसिस में है 3%, फिर HDFC की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके अंदर इसने 2.5% डाला है, ITC में इसने 2.5% है, फिर दोस्तों हम आगे बात करें तो इसने द इंडियन होटल कंपनी वगैरह में डाला है 2.5%, SBI में इसने 2.5% डाला है, डेविस लेबोरेटरी में 2.5% है, रिलायंस इंडस्ट्री में 2%, 2.25%, इसलिए काफ़ी अच्छी और बड़ी नामचीन कंपनी है, यानी कि ये छोटी छोटी कंपनी नहीं है कि भाई कि आके कल उठ जाए, सब बड़ी बड़ी और अच्छी कंपनी है जो ग्रोथ कर रही है, इसलिए आपका पैसा तो सेफ है यहाँ पे। अभी दोस्तों हम बात करें तो आप कितना डालोगे तो कितना मिलेगा रिटर्न। दोस्तों हम यहाँ पे SIP स्टार्ट करते हैं 1500 रुपये से, 1500 मतलब आराम से 20-25 हज़ार कमाता है बंदा, तो 1500 रुपये तो इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप 8-10 हज़ार कमाते हो तो नहीं करो तो ठीक है, लेकिन 20-25-30 हज़ार कमाता है तो 1500 रुपये आराम से कर सकता है, इसलिए यहाँ पे 1500 रुपये हम डालते हैं 10 साल तक, तो आपका टोटल रिटर्न हो जाएगा 1,80,000 रुपया, और उसके सामने मिलेगा आपको 4,73,000 रुपया 10 साल में। तो ये क्या 1500 डालने का, 10 साल बाद 5 लाख मिलेगा, क्या मिलता है इसमें, अबे रुको आगे देखो क्या है कंपाउंडिंग पावर इफेक्ट। फिर दोस्तों अगर 10 साल हमने डाला तो हमको मिला 4,73,000, फिर दोस्तों हम 1500 रुपये डालते हैं 20 साल तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,60,000, और उसके सामने आपको मिलेगा 30,34,000 रुपया। तो देखा दोस्तों कंपाउंडिंग पावर हो गया ना इतना बड़ा, अभी 20 साल बाद 30 लाख रुपए का क्या करूँगा, 1500 अभी रुको अभी मानो कि 1500 रुपया 25 साल तक डालोगे तो आपका रिटर्न हो जाएगा 4.5 लाख रुपया,
और उसके सामने आपको मिलने वाला है 72 लाख रुपया, यानी कि 25 साल बाद आज से 1500 रुपये डालोगे तो 72 लाख रुपया आप 25 साल बाद आराम से ले सकते हो। आप अगर छोटी बेटी है बेटा है तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, जैसे ही 25 साल का होता है तो उसके एजुकेशन के लिए या फिर उसकी शादी के लिए बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा पैसा, आप आराम से इसमें कर सकते हो। अभी दोस्तों हम 30 साल तक इसको चलाए तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,40,000 और उसके सामने मिलेगा 1,70,00,000। देखा है ना धमाका। तो ऐसा ही है म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग पावर इफेक्ट। तो दोस्तों देखा है बहुत ही बढ़िया स्कीम है। तो चलो फिर से मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।